घूमते घूमते भाई साहब आज फिर हम धारीवाल एग्रो इंडस्ट्रीज के पास पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप अपनी बताओ। सर मैं धारीवाल एग्रो इंडस्ट्री से जींद हरियाणा से हूँ। हाँ सर। और ये अपनी गौशाला की मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे यहाँ पर। एग्रीकल्चर फील्ड के साथ साथ हम गौशाला में काम करते हैं। जैसे ये देखिए, गौशाला में यूज होने वाली है ना गोबर लट्ठा मशीन है। ठीक है सर। जैसे बड़े बड़े गौशाला के अंदर है ना गायें, इससे गोबर ज्यादा मात्रा में निकलता है वहाँ से। ठीक है सर। तो वहाँ से गौशाला वाले परेशान हो जाते हैं इसका यूज कैसे करें, तो उसके लिए हमने ये मशीन लॉन्च की है कि गोबर भी वेस्ट ना हो, उसको यूज में भी अच्छे से लाया जा सके। उसके लिए हमने बनाई है गोबर लट्ठा मशीन। ठीक है सर। इससे गोबर से लकड़ी बनाई जाती है। ठीक है सर। ठीक है, जैसे यहाँ से हम ऊपर से गोबर डालेंगे, यहाँ से लकड़ी बना करके निकाल देगी। ठीक है सर। उस लकड़ी को हम कहीं पे भी अपने होम मेड घर पे यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आसानी से, वो कोई इशू है नहीं इतना बड़ा। तो ये हमारी गोबर लट्ठा मशीन है गौशाला के लिए। इसमें गोबर से लकड़ियां बनाई जाती हैं, स्क्वायर टाइप में बन जाती हैं, राउंड टाइप में बन जाती हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये कम से कम लगा लो एक घंटे में ना 400 से 500 kg गोबर लकड़ियां बना देती है। उसको सुखाइए, उसके बाद घरों में यूज कीजिए। ठीक है, ये चीजें हैं इसके लिए। और जितनी भी हमारी गौशालाज हैं, गौशालाज के लिए हमने इन मशीनों के ऊपर कंसेशन भी दिया हुआ, बेस्ट टू बेस्ट प्राइस के साथ, डिस्काउंट के साथ एक चीज का उपहार भी हम इसके साथ देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, इसे हम कहीं ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी मंगा सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसके बारे में और बताता हूँ आपको कुछ। सर इसमें मोटर कितने एचपी की है? इसमें 5 HP की मोटर लगी हुई है और 1 साल की वारंटी के साथ आपको ये दी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इशू आता है कंपनी ठीक करेगी। कहीं से भी कोई कुछ भी चीज टूट जाए सर? कहीं से कोई भी चीज टूट जाए, कहीं से भी होगी, वैसे तो टूटती है नहीं आज तक। हम ठीक है, देते ना चीज ही क्वालिटी की बनाते हैं, हैवी वाली चीजें हैं ये, वो तो दिख रहा है सर। इसके लिए देख लीजिए, सारी की सारी मिग वेल्डिंग से ज्वाइंट कर रखा है, इसका लोकल वेल्डिंग नहीं यूज कर रखी है इसके अंदर। ये इसके ऊपर से देख लीजिए, धराते हैं गोबर को मिक्स करते हैं साथ में ही, इसके अंदर से गोबर मिक्स होकर के नीचे जाएगा। ठीक है, मिक्सअप के बाद ये चीजें हैं, इसके अलग अलग मॉडल्स देख लीजिए आप। यहाँ से ये बेल ड्राइव होता है, इसके साथ ही और दूसरी व्यवस्था हमने इसके साथ दी है मोटर की वायरिंग के बाद है ना, हमने इसका स्टार्टर दिया हुआ साथ में। ठीक है सर। इंसान आसानी से इसको कॉर्पोरेट कर सकता है, इसे चलाना है बंद करना है, एक फुली ऑटोमेटिक मोड से चलती है ये, ऐसी बात नहीं है, फुली ऑटोमेटिक मोड से काम देती है ये। ठीक है, और इसके साथ ही गौशाला के लिए ये है एक हमारा मिक्सर ग्राइंडर। अच्छा सर, इसका क्या उपयोग है सर? गौशाला के अंदर ज्यादा ज्यादा गायें होती है ना, उनके लिए आटा पीसना है, दलिया पीसना है, रोटियां पीसनी है, तो जो चीज पीसना है ना, तो ये हमारा फीड ग्राइंडर है, इस मिक्सर इसके अंदर यहाँ से डालो आटा है, यहाँ से निकल आएगा, ये मोटर लगी हुई है, ये ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा आटा पीसने के लिए ये चीजें यूज की जाती है। इसमें कितने HP की मोटर है? इसके अंदर भी 7 HP की मोटर है। ठीक है, ये 1 साल की वारंटी वाली मोटर के साथ आएगी, न्यू मोटर आएगी इसमें। ठीक है, इसका एक छोटा प्रोडक्ट है जहाँ पे छोटी छोटी गौशाला है, जो तो छोटा भी ले सकते हैं इसको, इसमें चाहे कोई मसाला पीस सकता है, कोई दुकानदार आसानी से कोई भी चीज पीस सकते हैं इससे, या से जैसे हम घरों में चक्की यूज करते हैं आटा के लिए। हाँ सर। तो वो चीजें जो होती है इसमें, ये बड़ा मॉडल भी है ये देख लीजिए, इससे आप इस हद तक कामयाब है, इसके अंदर है ना आप जो काट की लकड़ियां है ना वो भी पीस सकते हैं, उसका भी चूरा बना देता है, काट की लकड़ियों का भी चूरा बना देता है, लकड़ियों का भी चूरा बना देता है, इस चीज की हमारी गारंटी है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपको डेमो के साथ दिखाऊंगा, इसको चला के भी दिखाएंगे। ठीक है सर। बकायदा देख लेना, और इसको आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी मंगा सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको ये पहुंचा दी जाएगी, गौशाला के लिए स्पेशली कंसेंसस भी है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, एक उपहार मिलेगा। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों से ना किसी भी टाइम कॉल करके कहीं से भी मंगा सकते हैं। ठीक है सर। और सर इसको बेरोजगार भाई भी ले सकता है क्या कोई? हाँ, अच्छी बात है, बेरोजगार जैसे गाँव में है, बेरोजगार है, कोई डेयरी के किसी का फार्म है, तो वो गोबर से लकड़ियां बना करके जैसे उगले बिकते हैं गाँव में शहरों में, तो वो लकड़ी को सेल कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है। गौशाला के अलावा ये इस बिजनेस में भी आ सकता है कोई बंदा है तो कर सकता है, होममेड के लिए कहीं पे भी यूज कर लो। इसका मेन काम रहता है मिट्टी हो या गोबर हो, वैसे लकड़ी बनाने का इसका मेन पर्पज है, तो लकड़ी तो गोबर से ही बनेगी, क्योंकि मिट्टी की लकड़ी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये मिक्सर भी है, गोबर को इसके अंदर डालो, ये मिक्स कर देगी,
और वहां से चला दो, यहाँ से गोबर की डंडी लगड़ के लिए निकल आएगी, ठीक है, उसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही देखते ऐसी नई नई मशीनों की जानकारी लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इन मशीनों का फायदा और स्पेशल ऑफर का उपहार का फायदा उठा सकें। इन पे क्या ऑफर दे रहे हो सर? इन पे भी जो एक तो प्राइसिंग में डिस्काउंट दिया जाएगा, स्पेशली जो आपके वीडियो देख करके यूट्यूब से आप जुड़ते हैं हमसे, उनको स्पेशली कन्वर्सेशन दिया जाएगा, उनको हमारे नंबर पे कॉल करना और बताना है कि सर हमने वहां से आपका नंबर लिया है, यूट्यूब से देखा है, उसको स्पेशली डिस्काउंट दिया जाएगा और एक उपहार उसके साथ में मुफ्त दिया जाएगा। ये भी ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो जाएगी, कहीं पे भी आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर।